दैनिक भास्कर अलवर द्वारा शनिवार को पुलिस प्राइड अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर खैरतल भिवाड़ी बहरोड कोटपुतली के उन पुलिस कर्मियों को सम्मान किया गया जिनका विभागीय कामों में विशेष योगदान रहा। इस कार्यक्रम में अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन, अलवर एसपी आनंद शर्मा और खैरतल जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सारेगामा फेम सलीम नूर और इक्कू दीवाना ग्रुप ने कलाकारों ने अपनी गायकी से समा बांधा, तो वहीं एंकरिंग में प्रदीप सूद की भी काफी तारीफ हुई। चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते कम तूने पहली नजर सब हसन से मिलाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते कम तूने पहली नजर, मेरे रिश्ते कम तूने पहली नजर सब नजर से मिलाई मजा आ गया, सब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरखुशी गिर गई ही कर गई, बरखुशी गिर गई काम ही कर गई, लड़ाई मजा आ गया, मेरे नक्श के खबर तूने पहली नजर सब नजर से मिलाई मजा आ गया। मर गए हम भूली नहीं आंखें, ये
तेरी इंतजार की हद थी, ये धीरे थी मेरे दिल में भरी, ये धीरे थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज सहराहों ने इश्क के गाँव में, आज सहराहों ने इश्क के गाँव में, बारिश से गिर के आई मजा आ गया, तेरे चले कमल तूने पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रस्ते कमल के कमल तूने पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आया, नजर से मिलाई मजा आया, कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों में अलवर जिला पुलिस से सदर थाना अधिकारी दिनेश कुमार, अरावली विहार थाना अधिकारी रहे जहीर अब्बास, बांसून थाना अधिकारी हेमराज, एमआईए से बिजेंद्र सिंह, महिला थाने से कुसुम नरुका सहित करीब 80 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। डकैती डालकर ले जाने के प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी दिनेश कुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा, जो कि थाना सदर अलवर के पुलिस निरीक्षक हैं, के द्वारा अनुसंधान कर डकैती के प्रकरण में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर डकैती का खुलासा किया एवं माल बरामद किया। दैनिक भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका आभार जताता है। आइए और हम निवेदन करेंगे सभी अतिथियों से कि आप श्री इस अनमोल हस्ती का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली मुझे अपने श्री दिनेश कुमार जी के लिए। सर्वश्रेष्ठ जांच पड़ताल कमान पुलिस प्राइड अवार्ड गोज टू सर्वश्रेष्ठ जांच पड़ताल श्री दिनेश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तालियां दिल से होनी चाहिए। मिस्टर डीजे म्यूजिक प्लीज। We'll be right back.
इस मौके पर दैनिक भास्कर अलवर संपादक राजेश रवि ने बताया, भास्कर ग्रुप सामाजिक सरोकारों के तहत तीसरी बार पुलिस कर्मियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। यह वो जाबाज हैं जो अपनी जान पर खेलकर आम जन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक आग की घटना में फंसी बच्ची को बचाकर लाए पुलिस कर्मी की चर्चा करते हुए उनकी बहादुरी को याद किया। आदरणीय पुखराज सेन साहब, कलेक्टर साहब, ओम प्रकाश बैरवा जी, आनंद शर्मा जी और समस्त यहाँ उपस्थित शहर के लोगों, गणमान्य नागरिक हैं और आज जिनका सम्मान होना है उन सबको मैं विशेष सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे एक छोटे से आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। मैं उन तमाम लोगों को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ जो आज यहाँ नहीं हैं, जिनका इस पुलिस अवार्ड में चयन नहीं हो पाया, क्योंकि अवार्ड जो भी होता है उसकी एक अपनी सीमा होती है, क्योंकि सभी साथियों को नहीं दिया जा सकता और उसी में कहीं ना कहीं कोई एक उसका बौद्धिक काम वो भी छिपा होता है, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो ये लगता है कि हम लोग कहीं पीछे रह गए, तो वो निश्चित रूप से आगे के लिए और बेहतर तैयारी करते हैं। जब हम लोग इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, ये आज से 3 साल पुरानी बात है, क्योंकि ये अलवर में पुलिस अवार्ड का तीसरा कार्यक्रम है। हम 2 साल लगातार कर चुके हैं, ये तीसरी बार आयोजन हो रहा है। सबसे पहले बहुत लगातार एक चर्चा चली, कंपनी में भी चली, लोगों से भी हमने बातचीत की, तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर पुलिस अवार्ड किया जाए उस पर पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं, क्या क्या और दूसरे सवाल आ जाएंगे, सरकार में क्या मैसेज जाएगा। हम सब लोगों ने पूरा 1 साल का डाटा तैयार किया और देखा कि भाई क्यों करना चाहिए पुलिस का अवार्ड। आप सभी साथियों ने देखा होगा, जब करौली में आग लग रही थी वो फोटो शायद लोगों के दिल में आज भी है, एक पुलिस वाला एक मासूम बच्ची को लेकर उस आग में से निकल रहा है, वो दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे छापी थी और पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुई थी। तो हमने कहा जब पुलिस इस तरह के काम कर रही है, एक बच्ची को आपको बचा रही है, तो क्यों नहीं पुलिस का सम्मान बनता है। अलवर का मुद्दा बताऊँ आपको, एक बार SP साहब पर्सनल काम से कहीं गए हुए और पीछे से एक कोई राजनीतिक फैसला हो गया, उसके कारण दूसरे दिन पूरे थाने में आग लगा दी गई, उनको रास्ते से वापस लाना पड़ा, तो क्या पुलिस अवार्ड के काबिल नहीं है। और अब तो अपन देखें कि अभी जैसे साथी ने बताया कि दिवाली, होली, हर त्यौहार पर हम सब लोग त्यौहार खुशी के साथ मनाते हैं और पुलिस सड़क पर राउंड लगाती रहती है। जब रात को हम लोग सोते हैं बिल्कुल आराम से AC चला के बंद करके, तब पुलिस बाहर एक गाड़ी में घूमती रहती है, कुछ लोग अलग तरीके से घूमते रहते हैं, तो पुलिस का सम्मान इसलिए बनता है। लगातार बहुत सारे विवाद भी होते हैं और अब उस पर एक सवाल, जैसे आज हमने एक टिप्पणी भी लिखी थी बात बेबाक में, क्योंकि कुछ भी हो शहर में, चोरी हो गई जिम्मेदार कौन? पुलिस। कल डकैती हो गई गढ़ी सवेराम में, 5-6 विज्ञप्ति आई कि साहब पुलिस लापरवाह, पुलिस लापरवाह। हमने इसलिए आज उस पर एक टिप्पणी लिखी थी, आप लोगों ने देखा होगा, कि भाई पुलिस ही क्यों जिम्मेदार? पुलिस तो जब घटना होने के बाद में उनको पकड़ने और उसके लिए ही काम करेगी ना। पूरे ज़िले में अब यहाँ पर पास के किसी घर में चोरी होती है, कोई सैनमारी होती है, उसके लिए पुलिस को एकदम जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, तो इसलिए पुलिस का जो सम्मान किया जाना है वो ज़रूरी है। तो हमने इस क्रम को लगातार जारी रखा, पिछले 2 बार अलवर 1 ही था, आज अलवर 3 हो गया है, तो 3 जिलों के यहाँ और भी पुलिस थाने लगाए हैं, SP लगाए जिले, तो 4 जिलों के लगभग 60 साथी यहाँ सम्मानित किए जाने हैं। आज उन सभी का यहाँ स्वागत किया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई प्रेस और पुलिस ये दोनों रेल की उस पटरी की तरह है, जिनको साथ भी चलना है और कभी मिलना भी नहीं है। अगर ये नहीं मिलेंगे तब तक व्यवस्था बहुत अच्छी चलती रहेगी। जिस दिन कहीं मिलने की कोशिश की, थोड़ा बहुत भी हिला विला, इधर से कोई सा भी एक पटरी हिल गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मेरा प्रेस के साथियों से भी और पुलिस से कि अपनी पटरी की लाइन में ही चलो, तभी शायद हम सब समाज को सुरक्षा दे पाएंगे, अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, क्योंकि रेल की पटरी मिलते ही एक्सीडेंट का खतरा है। और सब लोग ये प्रयास करते ही हैं कि
एक अच्छा काम, लगातार हम लोगों को अच्छी सेवाएं देते रहें, अच्छी गति के साथ में काम करते रहें। मैं एक बार फिर सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज उनका सिलेक्शन हुआ, और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि एक आग्रह को उन्होंने हमारा स्वीकार किया और यहाँ पधारे। थैंक यू। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पुखराज सेन, SP आनंद शर्मा और जिला कलेक्टर खैरतल ओम प्रकाश बैरवा ने भी भास्कर का आभार जताया और पुरस्कृत हुए पुलिस कर्मियों को बधाई दी। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कलेक्टर साहब अलवर, कलेक्टर साहब खैरथल, दैनिक भास्कर की टीम, सभी सम्मानित हुए वे पुलिसकर्मी, सभी स्पॉन्सर्स, सभी को आपको नमस्कार। और सर्वप्रथम जिन्होंने भी आज ये पुरस्कार जीता है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस हुई चार्लीज थेरोन, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला, तो जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि इस अवार्ड की क्या कीमत है, तो वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी और पीछे बहुत सारी और ट्रॉफीज़ थी, तो उन्होंने एक छोटी सी ट्रॉफ़ी उठाई जो उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में जीती थी और कहा कि उतनी अहमियत है जितनी इस ट्रॉफी की अहमियत है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ये अवार्ड बड़ा है, ये अवार्ड छोटा है, पर अगर आपको किसी भी स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है तो वो एक गौरव का पल होता है कि एक जोन ऑफ कंसिडरेशन था, कुछ लोगों ने माइंड अप्लाई किया और आपको चुना गया। तो इसलिए आप सबको इस उपलब्धि पे गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत शाबाशी और बधाई देना चाहता हूँ आज ये अवार्ड जीतने के लिए। पर इसके साथ साथ आप पुलिसकर्मी हैं, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पुलिसिंग जो है वो टेनिस का खेल नहीं है, जहाँ पर रॉजर फेडरर अकेला 3-4 ग्रैंड स्लैम जीत के चला जाता है अपने दम पर। ये फुटबॉल और क्रिकेट की तरह एक टीम स्पोर्ट है। हो सकता है विनिंग गोल तो कोई एक मेंबर दागे, हो सकता है मैन ऑफ द मैच तो कोई एक व्यक्ति बने, पर ये हम सब जानते हैं कि अगर बाकी 11 मेंबर अच्छा नहीं खेले तो वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये अवार्ड सिर्फ आपका नहीं है, ये अवार्ड आपकी पूरी टीम का है, जिसके सहयोग के बिना शायद आप ये अवार्ड हासिल नहीं कर पाते। तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी टीम मेंबर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम अवार्ड देते हैं तो सबका नाम नहीं आ पाता, तो जिनका नहीं आ पाया उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई इस माध्यम से देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ये बात आती है कि पुलिस की छवि सुधारी जाए, पुलिस की छवि कैसी हो, पर एक सच्चाई ये है कि पुलिस जो है ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। पुलिस को काम ही वो करना है जो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपने हेलमेट नहीं पहनी तो हम आपको हेलमेट पहनाएंगे, नहीं तो आपका चालान काटेंगे। अगर आपने पार्किंग ठीक से नहीं की तो हम आपकी गाड़ी जब्त करेंगे, आपका चालान काटेंगे। अगर आपने, आपके घर में शादी है, आप 10 बजे के बाद DJ बजा रहे हो, तो हम आएंगे, आपका फंक्शन ख़राब करेंगे और DJ बंद करेंगे। तो बहुत बार हमारा नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी छवि होना तो शायद संभव ही नहीं है, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जब भी कुछ कुछ कर रहे होते हैं, हम किसी ना किसी को नाराज करते ही चलते हैं। पर उस सब के बीच में एक इतना प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप आज अगर यहाँ खड़ा होकर हमको सम्मानित कर रहा है तो वो हमारे लिए गौरव का विषय है। सोसाइटी में हमारी इमेज और छवि इससे सुधरती है, और इसके लिए मैं विशेष तौर पर दैनिक भास्कर को धन्यवाद देना चाहूँगा। दैनिक भास्कर से भी एक पुराना एसोसिएशन है, मुझे याद है हम स्कूल में हुआ करते थे तब भास्कर इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और एक ऑफर था कि 6 महीने के लिए भास्कर लो तो 4 कुर्सी फ्री मिलेगी प्लास्टिक की, आप सबको याद होगा शायद। तो उस कुर्सी के लिए हमने भास्कर पढ़ना शुरू किया, पर अब धीरे 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 भास्कर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। सुबह उठते ही आपका, मैं कहीं पे भी होता हूँ तो मैं सबसे पहले E-Edition पढ़ता हूँ, और अब मैं इतने सारी जगह पोस्टिंग रह ली तो मैंने सारी E-Edition बाड़मेर, गंगानगर, पाली, बांसवाड़ा, झालावाड़ डाउनलोड कर रखे हैं, क्योंकि आपको एक जनरल सा इंटरेस्ट रहता है कि जहाँ आप रह के भी आए हो वहाँ क्या हुआ है, तो मैं वो भी फौरी तौर पर देख लेता हूँ। तो एक इतना बढ़िया अखबार, एक इतना प्रतिष्ठित मीडिया समूह है, उसके द्वारा ये आयोजन हुआ और आपने हमको इस योग्य समझा, हमें सम्मानित करके हमारा सम्मान बढ़ाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूँ। और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे स्पॉन्सर्स का जिनकी वजह से ऐसे आयोजन संभव हो पाते हैं। और अगेन पुनः दोनों कलेक्टर साहिबान का मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ कि इस चुनावी आपा धापी के VC के बीच में से आपने समय निकाल कर पुलिस विभाग और पुलिस प्राइड अवार्ड के लिए समय दिया। एक बार पुनः आप सबको इस के लिए बहुत बहुत शाबाशी, बहुत बहुत बधाई। आज जाइए और खुशी से सोइए, एक दिन कल संडे की छुट्टी लीजिए मेरी तरफ से। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सर, सच अ वंडरफुल स्पीच। आज के इस पुलिस प्राइड अवार्ड के दैनिक भास्कर, जो भारत का हमारा
प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा समाचार जगत का समूह है, उनके द्वारा ये जो आयोजन यहाँ अलवर और तीन चार जिलों का मिलके आयोजित किया, सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने पूरे हमारे जो सामूहिक हमारा पेरेंटल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सबको समाहित होकर याद दिलाई और सभी को एक सूत्र में पिरोने का आपने काम किया। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सभी सरकारों की जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं में जो पुलिस की जो व्यवस्था है, जो हमको सुरक्षित रखती है, संरक्षित रखती है, हमारा दिन प्रतिदिन ध्यान रखती है, कोई सी भी घटना हो जाए, कहीं भी हो जाए, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे किसी भी तरीके की आपदा आए, कहीं बिजली गिर जाए, किसी भी तरीके की कोई भी घटना हो जाए, कहीं दंगा हो जाए, तो पुलिस अपनी जो काम है उस काम को, यानी बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम दे दिए और बहुत बखूबी तरीके से पूरा प्रयास करती है कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की, तथा समाज में और पूरे अपने क्षेत्र में पूरी की पूरी मुस्तैदी से हम सबको संरक्षित सुरक्षित रखती है। तो मैं ऐसे जो पुलिस महकमा है हमारा, जिनसे हम सब सुरक्षित हैं, उनके भी आज जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को छोड़कर, अभी मेरे यहाँ खैरतल की एक छोटी सी सर घटना बताना चाहूँगा, मेरे रेजिडेंस पे अभी कोई माकूल व्यवस्था नहीं है, फिर भी जो अपनी गार्ड है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में, मैं कई बार कहता हूँ यार बैठ जाओ कर लो, कोई नहीं अभी व्यवस्था नहीं है, फिर भी बिल्कुल तैनाती पूरी रखते हैं। तो बहुत कहना चाह रहा हूँ कि कठिन परिस्थिति में भी ये एक हमारा ऐसा महकमा है जो अपना काम करता है। निश्चित रूप से कहीं कहीं हम सबको पुलिस की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की सराहना करनी चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए और उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो दैनिक भास्कर ने ये जो काम किया है इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं, और आज के इस समारोह में जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है, अलवर के निवासी और पूरे हमारे खैरतल तिजारा और सभी निवासियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं इस मौके पर कि आप सब बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं और इस कार्यक्रम में आपने सहयोग दिया। सम्माननीय हमारे जिला कलेक्टर साहब अलवर का भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपके इस खैरतल में हम सबको यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, एक बार थोड़ा ताली हो जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर फुकरा सेन जी, सर कुछ वर्ड कहें आज के इस फंक्शन के लिए। जय हिंद। मैं आज का जो कार्यक्रम रखा उसके लिए दैनिक भास्कर समूह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो हमारे पुलिस विभाग के जो साथी हैं वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना काम करते हैं, उनको आपने यहाँ सम्मान के लिए बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बेरवा साहब, जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा, आदरणीय एसपी साहब अलवर, रवि जी, आपकी पूरी टीम, यहाँ पधारे हुए सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने ये जिनकी ये इवेंट जिन्होंने की स्पॉन्सरशिप से हुई है, और आज के दिन ये सम्मान प्राप्त करने वाले मेरे साथी अधिकारीगण, आप सब लोगों ने एक मिसाल कायम की है। और ये अलवर ज़िला जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण ज़िला है, जिसमें बॉर्डर है, जिसमें हम अगर कई बार तुलना करते हैं तो अलवर में जिस तरह की पुराने जो अलवर ज़िला जिसको आज आपने सबको सम्मानित किया है उसकी टोपोग्राफी, उसकी डेमोग्राफी जिस तरह की है वो एक तरह से देखें बिल्कुल अलग तरह की टोपोग्राफी है, आपके अलग तरह की परंपराएं हैं, और उस सब में जो पुलिस है वो एक रूपता से सबको बांधे रखती है। और हमारा जब हम कभी भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो USP है वो राजस्थान का है, राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर। राजस्थान में जिस तरह की सुरक्षा की भावना हम सब लोगों में रहती है, राजस्थान में इन्वेस्टर आता है तो कभी भी उसको डर नहीं लगता, तो राजस्थान का यह जो USP है उसको जो बनाए रखती है वो राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। हम कभी भी देखेंगे ट्रैफिक में सुबह जब हम अगर हमको 5 मिनट खड़ा होने के लिए बोल दिया जाए तो हो सकता है हम नहीं रह पाएँ उस पोल्यूशन में। हम अपने घर में बैठ के पोल्यूशन फील करते हैं, वहाँ हमारा ट्रैफिक का जो साथी है
वो भीड़ में खड़ा होकर के हम सब लोगों को हम आसानी से निकल जाएं। और अगर आप कल्पना करें कि कभी कोई जाम लगा हुआ है और उसमें कांस्टेबल नहीं है, हमारा कोई पुलिस का साथी नहीं है, तो मीलों लाइन लग जाती है और वो एक अकेला बंदा आता है और अपने कठिन परिश्रम से सबको एक लाइन में करके और पूरी व्यवस्था को सुधार देता है। तो ऐसी है हमारी राजस्थान पुलिस। मैं आप सबको जो आज सम्मानित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आप सब लोग, जैसा एसपी साहब ने कहा कि एक पूरी टीम है, और अभी हमारे लिए आने वाला समय फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आने वाले समय में हमें चुनाव कराने हैं और ये टीम जो आज सम्मानित हुई है, ये टीम हमारे आने वाले चुनावों को बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने में हमारी मदद करेगी। इसी आशाओं के साथ मैं पुनः दैनिक भास्कर समूह का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे जो साथी हैं, जो रात दिन समाज की सेवा में लगे रहते हैं, अपनी कठिन परिस्थितियों में कभी हर विभाग, जैसे हम अभी मैं नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे विभागों के लोग आते हैं कि साहब हमारे पास बहुत काम हो गया है, हमको ये ड्यूटी एक्स्ट्रा दे दी आपने। अभी जब हम एसपी साहब और हम बात कर रहे थे चुनाव ड्यूटी की, तो अभी चुनाव ड्यूटीज हमने लगाई है, लगाते ही मेरे पास एप्लीकेशन आना शुरू हो गई। तो मैं एसपी साहब से बात कर रहा था कि मैंने कहा आपके क्या हाल हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे कोई नहीं कट पाता चुनाव ड्यूटी, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आती, हमारे सारे लोग कहते हैं हमें करनी है। और हमारे जो दूसरे साथी लोग हैं वो अपना खुद का कार्य कर लेते हैं, लेकिन जैसे चुनाव ड्यूटी की बात आएगी, अन्य कोई ड्यूटी की बात आएगी, तो उनको लगता है कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये हमारे जो साथी खड़े हैं, इनकी पारिवारिक परिस्थिति, इनकी सामाजिक प्रॉब्लम्स की कभी मैंने नहीं सुना किसी के मुँह से। तो मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने कभी भी अपनी परिस्थिति को अपनी ड्यूटी के बीच में नहीं लाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। इस दौरान अलवर शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिसमें अजय अग्रवाल, डॉक्टर पंकज गुप्ता, राजन झिरीवाल, मनोज चाचान, अशोक सैनी, बाबू झालानी, जुगल गांधी, अमित गोयल, महेंद्र तनेजा, अभिषेक व आशीष तनेजा सहित रोटरी क्लब से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। अंत में परवीन खेतावत व यूनिट हेड पंकज अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। तो हमने एक व्यवस्था अंदर भी की हुई थी, तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं आप टेंशन ना लो, अच्छा प्रोग्राम है तो बारिश नहीं आएगी। तो बहुत बहुत सब लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया आप लोग यहाँ पधारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद। बाय बाय। शब्बा खैर। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच डीजे।